The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. कि आपकी नाभि में से, जी हाँ, आपकी नाभि में से, आपके नेवल में से स्टोन निकाला जा सकता है, मतलब स्टोन हो सकता है आपकी नाभि में पैदा. तो ये क्या चीज़ है, जो नेवल का स्टोन क्या होता है और वो होता भी है या स्टोन होता है या क्या होता है? वो बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं ओम्फैलोलिथ. लिथ मतलब स्टोन, लिथ ओम्फैलस मतलब आपका नाभि, आपका नेवल. सो नेवल में स्टोन बन गया, स्टोन जैसा ऑब्जेक्ट बन जाता है आपके नेवल के अंदर, उनमें बनता है जिनके अंदर जो नाभि साफ नहीं करते. सिंपल है भाई, जो अनहाइजीनिक लोग हैं उन्हीं के साथ होता है. वैसे जैसे पथरी किडनी में पथरी बनती है जो पानी नहीं पीता, राइट. गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है जो गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल नहीं करते, जो भूखे रहते बीच बीच में, है ना, उनमें ज़्यादा बनती है. और जो अपना नेवल साफ नहीं करते उनमें बन जाता है नेवल स्टोन. नेवल स्टोन अम्फेलोस मतलब आपका नेवल, स्टोन मतलब लिथोस, लिथ लाइट, लिथोस्पियर, स्टोन वाला स्पियर, याद है? हाँ. सो अम्फेलोस या अम्बिलिकल स्टोन भी बोलते हैं इसको. और ये कॉमन नहीं है क्योंकि आज के डेट में सब लोगों को अक्कल आ चुकी है कि नहाना पड़ता है और रोज़ नहाते हैं लोग, कुछ भी हो अपने आप को साफ रखते हैं, इसलिए ये अनकॉमन है, राइट. कई लोग जिनके अंदर अगर डीप बेली बटन बहुत डीप होता है, डीप, तब उनको स्टोन बन सकता है ऐसे का. और हाइजीन, हाइजीन के बगैर, अनहाइजीन के बगैर, मतलब बिना प्रॉपर हाइजीन के, बिना अनप्रॉपर हाइजीन के साथ रहने वालों को स्टोन नहीं हो सकता. ये वाला थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था क्या बोल रहा हूँ. एनीवेज, सो याद रखिएगा, स्टोन इज पॉसिबल. और ये सालों लगते हैं इसको, ये दिनों में नहीं बनता कि हाँ मैंने एक हफ्ते से शायद साफ नहीं किया तो शायद हो गया होगा. नहीं, इसको सालों लगते हैं, सालों लिटरली. और ये इसलिए मिलता नहीं, इसलिए अनकॉमन है, इतना रेयर है कि कोई ना कोई साफ कर ही लेता है ना कहीं ना कहीं से. और ये क्यों बनता है, देखिए, आपके अंदर कान में सीबम, कान में ऑयल वैक्स बनता है, वैसे ही आपके स्किन से ऑयल सीबम निकलता है, ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, वैसे ही आपकी धुन्नी में से भी वहाँ पर ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो सेबेशियम सीबम निकालते हैं. ये सीबम जो है नॉर्मली आपको प्रोटेक्ट करता है, स्किन को वाटरप्रूफ रखता है, और स्किन की टॉप लेयर जो है वो हमेशा मरती रहती है. तो जिनका जो साफ नहीं करते वो अंदर डेड लेयर इकट्ठी होती रहती है सीबम के साथ, वैक्स के साथ थोड़ा सा मिलके एक बनाती रहती है, और कुछ कचरा, धूल मिट्टी बाहर से आके जय हो वहाँ पे जमा होती है, और फिर वो एक तरह से किराटीन, डेड स्केल, सीबम मिलके स्टोन बन जाता है. और वो स्टोन धीरे 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 सालों में हार्ड ब्लैक सा स्टोन, टाइनी सा बन जाएगा वो बेली बटन में. बेली बटन से कई बार फंस भी जाता भैया, कई बार वहाँ अटक जाता है, फिर निकलवाने के लिए कई बार वो इवेंचुअली इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार उसके अंदर अल्सर भी बन सकते हैं, छाले में छाला फट गया, अल्सर होगी बेली बटन के ऊपर. हाँ जी, ऐसे केस रेयर है पर हो सकता है, हो सकता है. तो रेडनेस, किसी को पेन है, रेडनेस है, बदबू आ रही है कहीं से, तो इम्पॉर्टेंट है उसको चेक करना, राइट. सो ये कोई ब्लैक हेड नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये नेवल स्टोन है, ये लिटरली स्टोन है, पत्थर है, पत्थर. तो इट्स लाइक अ पत्थर बन गया, पत्थर जैसा सब्सटेंस बन गया, इट्स नॉट लाइक अ स्टोन, राइट. कहीं से स्टोन आ नहीं गया बेली बटन में, राइट. तो दिस इज द ओनली थिंग जो आपको समझनी है. तो क्या क्या करोगे, बेली को रेगुलर क्लीन करोगे, मतलब जो नहीं करेगा उसको बन जाएगा, और पूरे डेप्थ तक करोगे. जितने मोटा आदमी होगा, मोटा आदमी का और ज़्यादा डेप्थ बन जाता है, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है स्किन और डेप्थ बन जाता है. कई बार उनकी स्किन पे स्किन फोल्ड हो जाती है, ऐसे कई ने देखा होगा मोटे लोगों की, तो उनकी स्किन जब खोल के देखो नीचे नीचे भी छाला बना होता है. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मोटे लोगों की बहुत ऐसी तैसी होती है, ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, मोटे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. इट्स नॉट गुड, नो. सो बेली में ज़्यादा हेयर है, बहुत ज़्यादा हेयर है तो भी होता है. सो बाल बेरी बेली बाल रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल है, चुपचाप से सफाई करते रहो रेगुलर. नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, वो फिर देखेगा कि वहाँ पर स्टोन बन गया है, वहाँ पर अल्सर फल्सर तो नहीं हो गया, जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक या लोकल ट्रीटमेंट करके निकाल देंगे. छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ नहीं होता, खुद से निकाल सकते हो क्या, समय रहते निकाल सकते हो, खुद से निकाल लेना चाहिए था, नहीं खुद से निकाला तब जाके डॉक्टर के पास जाना पड़ा, स्टोन इज स्टोन, है कि नहीं. इसमें निकाल सकते हो खुद से, बट हमेशा नहीं.
अगर कोई चीज फंसी हुई है स्किन के अंदर लग रही है और कोई ग्रोथ सा लग रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कहीं वो ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये रेयर है, अपने आप में ये कंडीशन ही रेयर है, तो उसमें ट्यूमर आना भी रेयर है, बट ऐसा है, दुनिया है, दुनिया में सब अजीबोगरीब लोग हैं, तो ये भी होने के चांस होते हैं दुनिया में। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट। प्रिवेंट कैसे करेंगे, नहाने धोना है, बढ़िया साफ करना है, नहाते समय उसको साफ करना है, नेवल को अपने, उतना करते रहेंगे तो आपको कभी ऐसा स्टोन नहीं होगा। ये किंचुम चुंग चुंग चा टॉपिक आपके सामने लाया आज। सो धन्यवाद देखने के लिए, कोई सवाल है तो पूछिए और